आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। कहा, योग फॉर वेलनेस के रूप में निर्धारित किया गया इस वर्ष का योग दिवस योग के माध्यम से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समन्वय तथा कल्याण है संभव। जनपद में सोमवार को जिला अस्पताल सहित कुल 141 केंद्रों पर रिकॉर्ड 26,987 लोगों ने कराया कोविड का टीकाकरण। एडिशनल सीएमओ ने कहा, ग्रामीण में 105 केंद्रों पर उत्साह के साथ लोगों ने लगवाया टीका जीत का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव आरके तिवारी ने की ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, वेंटिलेटर, गेहूं खरीद सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा। कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां रखें पूरी, जिससे मरीजों को ना हो कोई दिक्कत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के सैयद मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ योगा कार्यक्रम। सीपीआरओ ने कहा, योग से व्यक्ति तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों को करता है संपादित। विश्व योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित किया गया योगा कार्यक्रम। वर्चुअल जुड़े रहे एसएसपी। कहा, योग से मिलती है शरीर में फुर्ती, बेहतर रहता है स्वास्थ्य। 21 जून से शुरू हुआ कोरोना रोधी टीकाकरण का महाअभियान। महापौर ने महानगर के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, व्यवस्थाएं हैं बेहतरीन, अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा ने आयोजित किया योग शिविर। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने योग शिविर में लिया हिस्सा, किया योग साधना। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग है महत्वपूर्ण। नाबालिग के साथ छेड़खानी कर सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त अभिजीत प्रजापति को बांसगांव की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेवा सत्र का कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने महानगर के 70 वार्ड अध्यक्षों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का किया वितरण। महानगर अध्यक्ष ने कहा, वार्ड अध्यक्ष घर घर जाकर घरों में करेंगे सैनिटाइजेशन। विश्व योग दिवस पर जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी हॉल में आयोजित किया गया योगाभ्यास कार्यक्रम। अस्पताल के चिकित्सकों, कर्मचारियों और पोस्ट कोविड के मरीजों ने किया योग। एसआईसी ने कहा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कारगर है योग, करें नियमित व्यायाम। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे यात्री गाड़ियों का करेगा विस्तार। सीपीआरओ ने कहा, इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ अनारक्षित गाड़ियां भी चलाएगा रेलवे। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। नालों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाकर दिया सफाई का निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,240। अब तक 839 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 124 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत बांसगांव पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। तमंचा किया बरामद, भेजा जेल। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। जिला स्वच्छता ग्रही संघ ने सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन, रोजगार देने की मांग। और शासन के नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक मिला कर्फ्यू में राहत। रात्रि 9 बजे के बाद प्रभावी हुआ नाइट कर्फ्यू। एसपीसीटी ने कहा, कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए करे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित।